हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी के जितने भी वर्क थे मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं और एक मीशो से मैंने होम डेकोरेशन आइटम मंगाया था तो आज वो डिलीवर हो गया है। तो मैंने भी अभी अनबॉक्स करके नहीं देखा है कि इसमें क्या है। करी तो दो तीन आइटम थे बट वो रिजेक्ट हो गया था। पता नहीं कौन सा आइटम आया है, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है अभी। तो एक बार इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें क्या है। और बैकग्राउंड से आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, जीवांशु लगा है बर्तनों में। जीवांशु को देखिए एक बार। जीवांशु, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और लग रही है मेरी बेबी गर्ल जीवांशु। बेटा लग जाएगा, लगेगा जीवांशु। तो मैं इसको जल्दी से अनबॉक्स करके दिखाती हूँ आप लोगों को इसमें क्या है। जीवांशु नो बेटा, नो 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 जीवांशु। मम्मा इसमें क्या है, अच्छे से पैक हो रखा है और पीछे से जीवांशु भी लगा हुआ है। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को, और वीडियो बनाना ना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि इसको हैंडल करना होता है साथ साथ में वीडियो। और बच्चों को एक तो सब चीजें चाहिए होती। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ जीवांशु? तो बहुत अच्छे से कवर हो रखा है, बिल्कुल भी खुल नहीं रहा। नो बेटा नो। और जीवांशु मम्मी के हेयर के साथ लग गया। नो बेटा, तो मुझे इसको सीजर से कट करना पड़ेगा। मेरी ये ऐसे ऊपर नहीं हो तो गया। नो जीवांशु, ये देखो ये देखो ये देखो मम्मा। बट जीवांशु भी साथ में आ गया। आजकल जीवांशु सब जगह चल जाता है। क्या है बेटा? मम्मा, वाह, जीवांशु को भी दे दिया मम्मा ने। अभी जीवांशु को ये चाहिए होगा। तो उसमें तो ये आया है डेकोरेशन आइटम। तो मैंने ये वाला डेकोरेशन आइटम ऑर्डर किया था तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया था और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिला है और देखने में भी बहुत ही प्यारा है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मीशो पर अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे कॉस्ट में हैं। बेबी 150-160 का था, मुझे एक्यूरेट रेट नहीं याद है बट इतने का ही था और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था तभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और फाइनली ये आ गया है। जीवांशु को ये खेलने के लिए चाहिए। जीवांशु को लग रहा है कुछ खेलने का आइटम है बट मैंने जीवांशु को टॉय दे दिया। जीवांशु अब इसके साथ लग गई। जीवांशु एलिफेंट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्माइल तो करो। मुझे जीवांशु भी रो रहा था इसको लेने के लिए बट मैं यहाँ पर रखूंगी क्योंकि ये शोपीस आइटम है और मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इस टाइप के आइटम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है होम डेकोरेशन का सामान। मेरे को जब भी कुछ चीज अच्छा दिखता है तो मैं परचेज करती रहती हूँ। मैंने यहाँ पर रख दिया है। जीवांशु को ये खेलने के लिए चाहिए। जीवांशु को लग रहा है कुछ खेलने का आइटम है बट मैंने जीवांशु को टॉय दे दिया। जीवांशु अब इसके साथ लग गई। जीवांशु
एलिफेंट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्माइल तो करो। युवांशु भी रो रहा था इसको लेने के लिए, बट मैं यहाँ पर रखूंगी। ये शोपीस आइटम है और मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इस टाइप के आइटम बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है होम डेकोरेशन का सामान। तो मेरे को जब भी कुछ चीज़ अच्छा दिखता है तो मैं परचेस करती रहती हूँ। मैंने यहाँ पर रख दिया है। और ये है बैक कैमरे से, और यहाँ पर ये लगा दिया है। शिवांशु स्माइल। पापा 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 पापा। तीन दिखाई दे रहे जीवांशु के। और कैसे सूरी है जीवांशु? कैसे सूरी है जीवांशु? गिरेगी वो। जीवांशु रेडी हो गई है नीचे जाने के लिए। मम्मा नीचे लेके चलो। हाँ हाँ जीवांशु, अभी मम्मा साइकिल में लेके घूमी घूमी गिराई है। जीवांशु को मम्मा ने रेडी कर दिया है, चिमटी भी लगा दिया। और जीवांशु की आज साइकिल को मैंने वॉश किया था क्योंकि इतने टायर इसके बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और आज मैंने ब्रश से इन टायरों को रगड़ा, इतना सारा इसमें डस्ट वगैरह हो गई थी, तो आज सारा क्लीन हो गई है। और जीवांशु अब रो रहा है, मम्मा नीचे लेके चलो। हाँ बेबी चलेंगे चलेंगे, मम्मा चलो। हाँ अभी चलते हैं। तो जीवांशु रेडी हो गई है नीचे जाने के लिए। मम्मा नीचे लेके चलो। हाँ हाँ जीवांशु, अभी मम्मा साइकिल में लेके घूमी घूमी गिराई है। जीवांशु को मम्मा ने रेडी कर दिया है, चिमटी भी लगा दिया। और जीवांशु की आज साइकिल को मैंने वॉश किया था क्योंकि इतने टायर इसके बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, और आज मैंने ब्रश से इन टायरों को रगड़ा, इतना सारा इसमें डस्ट वगैरह हो गई थी, तो आज सारा क्लीन हो गई है। और जीवांशु अब रो रहा है, मम्मा नीचे लेके चलो। हाँ बेबी चलेंगे चलेंगे, मम्मा चलो। हाँ अभी चलते हैं। मम्मा जीवांशु, मम्मा कहाँ जा रही हो जीवांशु? आज एक भी पिजन नहीं दिखाई दे रहे। तो मेरा डिनर बनके हो गया है रेडी, और हस्बैंड भी जस्ट अभी आए हैं। और जीवांशु देखिए मम्मा की गोदी में बैठी है। और आज मॉर्निंग से जीवांशु रो ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। और कल से थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया जीवांशु को, इसीलिए गोदी में ही रहना है। और अब जस्ट अब डिनर करने वाले हैं हम लोग। तो आज मैंने डिनर में सिंपल सा दाल चावल और हस्बैंड के लिए रोटी बनाई है, क्योंकि हस्बैंड राइस कम खाते हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए रोटी बनाई है और अपने लिए राइस बनाया है। तो सिंपल सा खाना बनाया है आज मैंने, और सैलेड कट कर दिया है। तो अब जल्दी से डिनर करते हैं। और टाइम हो गया है 9:00 होने वाले हैं। तो अभी जस्ट डिनर हो गया है कंप्लीट, और पूरा किचन वॉच पॉच हो रखा है। तो अभी मुझे ये सारा क्लीन अप करना है। और हस्बैंड देख रहे हैं न्यूज़, हस्बैंड और जीवांशु।
तो हस्बैंड अभी लाए हैं जीवांशु के लिए बनाना, क्योंकि मैं जीवांशु को दो बनाना रोज खिलाती हूँ और अच्छा भी होता है बेटी इनके लिए, तो मैं हस्बैंड से मंगा लिया है। और कल तो संडे है, मे भी हस्बैंड का ऑफ होगा, पता नहीं, मैंने अभी पूछा नहीं उनसे। और आज के ब्लॉग को फ्रेंड्स बस यहीं पे एंड करूंगी। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।